पिछली वीडियो में हमने मेजर डिसीजन की बात की थी कि मेजर डिसीजन रिगार्डिंग लैंग्वेज हमने कैसे चूज करनी है। इस वीडियो में बात करेंगे जो पेपर है हमारे, वो ऑप्शन है कि पेपर वन, पेपर टू और पेपर दोनों ही आपने फिल करने हैं, कौन से फिल करने हैं। ये डिसीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिसीजन अगर आप ये पास कर देते हो तो गवर्नमेंट जॉब के करीब पहुंच सकते हो। पेपर वन में पहले भी बात करके आए हैं, फर्स्ट से फिफ्थ के लिए एलिजिबल और पेपर टू के लिए सिक्स से एट्थ तक, और यहाँ से बोथ अगर फिल करते हो वन से एट्थ तक, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, रेंज ऑफ जॉब बढ़ जाती है। मीन पर्टिकुलरली जो बीएड कर रहे हैं वो स्पेशली दोनों ही ये फिल कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप, लेकिन बाकी फैक्टर भी हैं वो आगे चल के बात करता हूँ, क्या मुझे के दोनों फिल करने चाहिए, ए फिल करना चाहिए या लोअर लेवल का ही फिल करना चाहिए, ये क्वेश्चन लेके इस वीडियो में चल रहे हैं। ऑनलाइन कैसे फिल करना है साथ में ये बता दूंगा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। डिसीजन इसलिए लेना है जल्दी कि हमने 21st से ये फॉर्म फिल करने शुरू हो जाने हैं और हमने पहले एक दो दिन में ही फॉर्म फिल करने हैं। अगर ये डिसीजन लिया हुआ है तो आप इस डेट में फिल कर लोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के प्रिंसिपल को अवेल कर लोगे। अगर ये डिसीजन नहीं लिया तो आप लेट होगे, लेट होने से आपका यहाँ पर आप खड़े रहोगे लेकिन जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर, सिटी आपको दूर मिलेगी अगर लेट होते हो। कुछ पॉइंट्स मैंने एनलिस्ट किए हैं जिसके बेस पर आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैंने पेपर वन टू या बोथ फिल करने हैं। फर्स्ट फैक्टर है फीस। फीस का पेपर वन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 हमें पता है, इसके लिए भी 1000 है ना, अगर दोनों के लिए फिल करते हैं तो 1200 है, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इट मींस फीस के बेस पर हमारी फेवर जो है बोथ पेपर की तरफ जा रही है। अब रिजर्व कैटेगरी का भी देखना है तो उनके 500 और यहां पर 600 यहाँ पर 600 हो गया, यहाँ पर 500, इनके भी 500 ही होंगे। ओके, तो ये फीस के हिसाब से आपने सोचना है तो आपको बोथ फिल करने की तरफ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी बनती है पेपर वन के लिए, टू के लिए या दोनों के लिए। जो पेपर टू है बोथ फिल कर सकते हैं, वो अगर आपने बीएड कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, बेशक आपका फर्स्ट डे है, फिर भी आप बोथ फिल कर सकते हो। दूसरा बीएड वाले ये फिल कर सकते हैं अकेला भी, और बीएड वाले ये भी फिल कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड या ईटीटी वाले एलिजिबल हैं पेपर वन के लिए, उनके लिए क्वेश्चन ही उठता नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि आप बीएड परस्यू कर रहे हो, डीएलएड परस्यू कर रहे हो, जहां आप कंप्लीट कर चुके हो, दो ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये बात भी है, अगर आप ये हो गए आप कैंडिडेट और ये आपका सफर यहां से शुरू हुआ, यहां तक मान लीजिए जाना है, अगर आप यहां हो तो आपकी प्रीवियस नॉलेज कम है, क्योंकि मैं आगे चल के बात करता हूं कि 80 से प्लस जो क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से आएंगे। अगर इतने क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपने बीएड का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा, ये हो गया सेम वन, ये हो गया सेम टू, ये हो गया सेम थ्री, अगर आप यहाँ पर हो तो, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो, अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो, अगर आपकी मोटिवेशन कम है तो फिर भी फिल कीजिए, फिर आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। लेकिन बीएड वालों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए पेपर टू। मीन क्या डिसीजन है, अगर आप प्रस्यूइंग हैं, आप इस स्टेज पर हो या सेम वन ही हुआ है जहां स्टडी अच्छी तरह से नहीं कर पाए, है ना, वीक, फिर आप एक की तरफ जा सकते हो, इसको चूज कर सकते हो। हाँ, अगर दूसरा सेशन जो चल रहा है, जो थर्ड सेशन पर पहुंच चुका है, उन्होंने बीएड का काफ़ी सिलेबस कर लिया है, प्लस वो मोटिवेटेड अगर ज़्यादा हैं, मोटिवेशन ज़रूर देखना होगा, क्योंकि मोटिवेशन के बिना आप स्टडी नहीं करोगे। आप रेगुलर स्टडी वेट कर रहे हो सीटेट की नेचुरली है, तो फिर भी आप बोथ की तरफ जाइए, क्योंकि फीस का फर्क नहीं है, आप बीएड कंप्लीट कर चुके हो, प्रीवियस नॉलेज है, तो बोथ फिल करने की प्रेफरेंस आप जो है चूज़ कीजिए।
जो लोग बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, ये है कि आप यहाँ पहुँच गए हो, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए, प्रेफर यही करना चाहिए कि बोथ फिल करें। का कारण ये है कि बीएड बेशक कोविड पीरियड में निकल के गई है, अपने सेम के एग्ज़ाम्स तो दिए हैं, कम से कम वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर, ये जो फंडामेंटल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन जो कॉमन है टीईटी में और आपके बीएड में जहाँ डीएलएड में कॉमन है वो आपने पढ़ा है, नेचुरली है उसके कुछ एप्लीकेशन तो वहाँ होगी ना, कुछ क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम ज़्यादा सोच सकते हैं कि बोथ को फिल किया जाए। नेक्स्ट फैक्टर के बोथ को फिल ना करने का, अगर आप यहाँ पर हो लेकिन आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेने, स्ट्रेस ज़्यादा जो ले रहे हैं, जिनको जल्दी स्ट्रेस होता है, इसको एकेडमिक स्ट्रेस या टेस्ट एंग्जाइटी भी बोलते हैं। अगर आपकी ज़्यादा है, मतलब एग्ज़ाम के दिनों में एग्ज़ाम की टेंशन आपको हो जाती है, आपको जो ड्रीम है ऐसे ऐसे आते हैं, पेपर के ही एग्ज़ाम के ही ड्रीम आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, खाने को जी नहीं चाह रहा है, कई जनों की मेरी ऐसी हालत होती थी भाई, इसलिए मैं काफ़ी कमज़ोर रहा हूँ। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो पेपर एक ही फिल कीजिए, कोशिश कीजिए पेपर टू को, बी एड वाले ही प्रेफर करें इसको, ठीक है। तो अगर डी एल एड आप प्रस्यूइंग हो, आपकी प्लस टू की क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन भी हो सकते हो, तो आप यहाँ पर है फिर भी, लेकिन आपके लिए तो वो है ही नहीं ऑप्शन, आपके लिए एक ही बचता है, आपको ये ज़रूरी है कि डी एल एड के या ई टी टी के शख्स हर हालत में पेपर को फिल ज़रूर करें। उसका कारण आगे चल के बताता हूँ, मतलब डी एल एड वालों के लिए ये ऑप्शन है, उनको तो हर हालत में बिना सोचे पेपर वन चूज करके फिल कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मोटिवेटेड कितने हो। अगर मोटिवेशन आपकी ज्यादा है, मीन आप गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो, नेचुरली है फिर आपको बोथ फिल करना चाहिए। ये वाला बोथ फिल करने से क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोबेबिलिटी है, कई बार जो है फिफ्थ तक के जो पीआरटी जिसे प्राइमरी टीचर बोलते हैं, फिफ्थ तक के जो टीचर हैं, प्राइमरी टीचर की जो जॉब है वो जल्दी पहले निकल आती हैं, तो आपने पेपर टू ही फिल किया था लेकिन जॉब आ गई इसकी गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ आपका नुकसान हो गया। तो उल्टा भी हो सकता है कि आपने पेपर वन फिल किया था लेकिन जॉब आ गई आपकी एट्थ तक के टीचर की, जहाँ टीजीटी जिसे बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उनकी पोस्ट आ गई, तो वहाँ मिस कर दिया। अगर आप दोनों ही फिल कर रहे हो तो जॉब निकल रही है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो रहे हो, दैट इज़ वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इज इंक्रीज्ड। ये पॉइंट फेवर जाता है कि दोनों फिल करने चाहिए जो मोटिवेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस, पेपर वन का सिलेबस और पेपर टू का सिलेबस भी एक बार देख लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास है पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस, कंपैरिजन पहले भी कर चुके हैं। पेपर वन में अगर आप देखेंगे तो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें भी सीडीपी है, इट मींस यहाँ पर कॉमननेस है। अगर आप एक पेपर की तैयारी कर रहे हो, लैंग्वेज टू की, लैंग्वेज थ्री की, लैंग्वेज टू और लैंग्वेज वन आपने अभी से चूज़ कर लेनी है। पिछले वीडियो में इसकी डिफरेंट लिंक इसका नीचे दिया गया होगा, तो वहाँ से देख लीजिए कि लैंग्वेज चूज़ कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी लोकल लैंग्वेज या मान लीजिए हिंदी को चूज कर लिया है, दूसरी इंग्लिश को चूज कर लिया है, तो आप इसकी तैयारी करोगे ना, तो अगर इसकी तैयारी यहां पर कर रहे हो, उसकी तैयारी यहां पर भी काम आएगी। तो ये तीन जो हैं 30-30-30 मार्क्स के हैं, 90 मार्क्स का है, ये तो हो गया कॉमन। तो यहां पर है कि मैथ्स और साइंस अगर आपकी स्ट्रीम है, है ना, तो इधर भी आप मैथ्स ही लोगे, यहाँ पर इतना कॉमन हो गया, ये 30 भी लगभग कॉमन हो गए, 30 नहीं तो 20 से 30 तक ये कॉमन हो गए। अगर मैथ की तैयारी यहाँ पर की है, नेचुरली वो ट्रांसफर यहाँ भी। ऐसे ही एनवायरमेंटल स्टडी के कुछ क्वेश्चन, अगर ज़्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन की ओवरलैपिंग हम सांझ जो है मान के चल सकते हैं। इट मीन्स अगर टोटल को कैलकुलेट करें तो जो कॉमननेस है 80 से 90% तक का सिलेबस कॉमन है।
जब हम तैयारी एक की करते हैं, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आप तैयारी एक की बेशक कीजिए ज़्यादा और उसको पेपर दोनों फिल कर दिए, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आपने ये भी पेपर फिल किया था, ये भी दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है अगर स्ट्रेस लेवल कम है, ये जाना ज़रूरी है। अब इतना अगर सिलेबस कॉमन है तो क्यों ना एक साथ ही दोनों पेपर फिल कर दिए जाएं। जब सिलेबस को हम कंपेयर करते हैं, वापस चलते हैं, जब सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो भी पॉइंट किसके फेवर में जा रहा है कि बोथ पेपर फिल कर देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो पीछे बात करके आए हैं, ये बात पीछे चलते हैं, इसको साथ में वैसे डिस्कस हो गया है। अगर आप एक पेपर की तैयारी करते हो, मान लीजिए आपने पेपर टू की तैयारी की है, ठीक, तो इसकी नॉलेज जब ये पेपर के क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे लेकिन आइडियाज़ तो उसी में से आ रहे हैं ना, थ्योरीज, कंसेप्ट्स, एप्लीकेशन, पेडागोजी उसी में से आ रहे हैं ना, तो जब इसको इसकी नॉलेज जो है, के जो है वो इस पर अप्लाई होगी, इसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये ट्रांसफ़र कौन सी है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, मतलब लर्न इसके लिए किया था, अप्लाई इस पर भी हो गया, तो ये बेनिफिट है, दैट इज़ वाई ये लॉजिक भी फेवर में जाता है कि दोनों फिल कर देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टीचिंग एंड ट्यूशन, जी दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किनका जल्दी सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है, मैंने ट्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि ट्यूशन वाले जो कंटेंट है अपना बहुत ज़्यादा टीच करते हैं, यहाँ चलते हैं। ये देखिए कि यहाँ आपने ये ऑप्ट करना है, मान लीजिए आप मैथ्स और साइंस के हो और आप, इट मीन्स आप मैथ्स या साइंस इसकी ट्यूशन दे रहे हो, मान लीजिए तो 30 मैथ्स के 60 क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन में से 30 से प्लस आप 30 से चलो 40 मान के चल सकते हैं या 35, इतने क्वेश्चन जो है कंटेंट से आ रहे हैं। जो लोग ट्यूशन देते हैं या टीचिंग करते हैं, सिंसियरली करते हैं, देखिए परमात्मा कैसे देता है, अगर वो सिंसियरली कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो 30 से 40 क्वेश्चन के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए उनके 20 क्वेश्चन अगर ठीक होते हैं, जो ट्यूशन कर रहे हैं उनके 30 से 32, 35 तक, 35 तक, मतलब 10 से 15 नंबर का फर्क उनका पड़ जाता है जो ट्यूशन देते हैं और जो स्कूल में अच्छी तरह से बुक्स को स्टडी करके समझ के पढ़ाते हैं। तो मतलब फैक्टर क्या बना यहाँ पर, अगर ट्यूशन देते हो इन सब्जेक्ट की, बेशक आप सोशल साइंस के हो, साइंस की ट्यूशन देते हो, इंग्लिश के हो, उसकी ट्यूशन देते हो, इंग्लिश आप प्रेफर नेचुरली करोगे लैंग्वेज में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई कि आप फिल करो, ट्यूशन वाले करेंगे, बोथ कर देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ नेक्स्ट टीईटी, हम ये मान के चल रहे हैं आपने टीईटी ये जो दे दिया, टीईटी ये हो गया नंबर वन, आपने एक बार दिया, मान लीजिए दूसरी बार है, मान लीजिए तीसरी बार है ना, तो जब आपने एक बार दोनों पेपर दिए हैं, नेचुरली है 150 आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रिसर्च ये कहती है कि जब ये सॉल्व किए, अपने पेपर दिया है, इतनी टेंशन लेके आपने लर्न किया है, तो इसमें आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी ना थोड़ी। एक वो है शख्स, ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया, ये क्रॉस है, ये आप वो हो जिन्होंने ये पेपर दिया है, तो आपकी लर्निंग इंक्रीज हो गई ना। लर्निंग इंक्रीज जब हो गई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सेकेंड अटेम्प्ट, मान लीजिए पहले में, क्योंकि मैंने, मेरे पास कई ऐसे केस हैं जैसे 90 मार्क्स चाहिए तो कईयों के तो 89 तक रह जाते हैं, 88 तक रह जाते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उनका सेकंड में जल्दी क्लियर हो जाएगा, बजाय इसके कि जिन्होंने पेपर नहीं दिया। ये लॉजिक ऐसे भी बनता है कि आपको हर हालत में फेल करना चाहिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप मैक्सिमम सक्सेस के नज़दीक पहुंच जाओ, तो ये फेवर में जाता है कि बोथ फेल कर देना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को स्ट्रेस ज़्यादा होती है एग्ज़ाम के, टेस्ट के दिनों में टेंशन लेते हैं, टेंशन लेके दे रहे हैं, तो उनको एक पेपर ही फिल करना चाहिए। हाँ, अगर आप लो स्ट्रेस वाले हो, वेरी लो, देखिए एक ग्राफ बना के, ये देखिए ये है स्ट्रेस, आप कितना लेते हो, ये वो लोग हैं जो इतना स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है,
और ये दूसरी कैटेगरी बन गई जो मिडल का स्ट्रेस लेते हैं, या तीसरी कैटेगरी बन गई जो इतना स्ट्रेस लेते हैं। इसको मैंने कह दिया कि ये है लो स्ट्रेस, और ये मॉडरेट, और ये हाई या वेरी हाई। जो थ्योरी कह रही है जिनको मॉडरेट स्ट्रेस होता है, ये आपका टेट का क्वेश्चन का सलूशन भी है, जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, उनकी मोटिवेशन प्लस लो हो जाती है, उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम होती है। जिनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, बेशक मोटिवेशन भी ज़्यादा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ना करने के कारण जो आंसर प्रेपरेशन एग्जाम के दिनों में जो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज़ वाई उसके कारण इनकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। जिनका मॉडरेट स्ट्रेस लेवल है, सक्सेस उनको बेस्ट मिलती है। मॉडरेट क्यों? स्ट्रेस चाहिए भी, इट मीन्स इसको है भी। जो स्ट्रेस है वो करता है मोटिवेट, वो मोटिवेट करता है। इनको मोटिवेट ही नहीं कोई कर रहा है, इनकी मोटिवेशन भी डाउन हो गई, और इनको मोटिवेशन है लेकिन ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाए। दैट इज वाई मॉडरेट स्ट्रेस वालों को बोथ पेपर फिल करने चाहिए, लो वालों को एक एक का पेपर, एक नहीं कह रहा हूं, एक चूज करना है, एक आइदर वन और टू, ठीक। और इसमें से ये रहा, इन इनको भी पेपर वन और पेपर टू, इसमें से एक चूज कर। तो ये थे फैक्टर के, आपके इसके बेस पर चूज कर सकते हो कि आपने पेपर वन फिल करना है या टू फिल करना है, जहाँ दोनों फिल करने हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, CDP की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, 30 मार्क्स का ये है। और लैंग्वेज की दो लैंग्वेज चूज करनी है, एक लैंग्वेज मान लीजिए 30 और दूसरी भी 30, ओके। मैथ्स या सोशल साइंस जो BEd वाले हैं, इनमें से एक ऑप्ट करना है, इसके भी 60 होंगे, आइदर आप इसके हैं या इसके हैं, 60 होंगे। जो ETT या DLED वाले हैं, जहाँ पेपर वन के लिए फिल कर रहे हैं, उनका 30 मार्क्स का एनवायरमेंट का होना है। तो लैंग्वेज वन में से जो 15 हैं क्वेश्चन वो पैडागोजी के होंगे, लैंग्वेज टू में से 15 पैडागोजी के होंगे, और ये 60 क्वेश्चन जो होंगे उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन जो हैं पैडागोजी के होंगे। इनको जमा कर दें, जो ये 30 30 प्लस 60 60 80, मिनिमम 80, पिछले वीडियो में मैंने 90 बोला था। अगर आप 80 क्वेश्चन जो पैडागोजी के हैं वो कॉमन होंगे, इसके इस पर भी अप्लाई होंगे, इसके इस पर भी अप्लाई होंगे, इसके इस पर भी, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरी CDP से निकलते हैं, उनकी क्लासेस इसलिए ज़्यादा लगेंगी, उनके क्वेश्चन ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे। हाँ, जब लैंग्वेज की बात हो रही है, इसकी क्लास लग रही है, तो आपको दूसरी लैंग्वेज की क्लास भी लगा लेनी चाहिए। अगर मैथ्स और साइंस की क्लास लग रही है, पैडागोजी की, कंटेंट की नहीं, कंटेंट के नहीं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो वो आपको दूसरी क्लास भी लगा लेनी चाहिए, उसमें ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव लर्निंग होता है, टाइम कम है। तो ये क्लासेस 9 बजे शाम, रात को 6 बजे शाम को लग रही हैं। इसके अलावा क्लासेस एडिशनल भी लग सकती हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, आपकी ज़रूरत और मेरी ज़रूरत के मुताबिक आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।